अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो आज ही संडे और संडे 5:45 इवनिंग हो रहा है और हम जा रहे हैं अभी दुबई मॉल। दुबई मॉल हम काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हो गए, और हम हमेशा सोचते थे कि अभी जाएंगे अभी नहीं जाएंगे। फाइनली आज हमने डिसाइड किया और हम अभी जा रहे हैं दुबई मॉल। और दुबई मॉल इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा घूमना पड़ता है कि पैर में दर्द हो जाता है। और घूमते घूमते काफ़ी लेट हो गया था और डिनर का भी टाइम हो चला था, तो सोचा कि चलो हम डिनर कर लें। और डिनर करने के बाद हमने फिर सोचा कि चलो अब यहाँ तक आए तो फाउंटेन शो देख ही लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये जो ब्लॉग है, मैंने थर्सडे नाइट काफ़ी लेट स्टार्ट किया है और संडे के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हस्बैंड ने बूस्टर डोज लिया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सही नहीं लगा था। सो ये जो केक मैंने स्टार्ट किया बनाना सलाह के स्कूल के लिए, उनकी स्कूल में विंटर थीम से रिलेटेड कुछ फंक्शन था जहाँ बच्चों को अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ले जानी है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ें शेयर कर लें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। अदरवाइज बच्चे फिर जिद, अगर बच्चों में ये शेयरिंग करने की अगर आदत ना हो ना, तो बच्चे फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो अपनी चीज़ें किसी को दे दें। इसलिए बेहतर हो कि होता यही है कि बचपन से ही उन्हें इस चीज़ की आदत डाल दी जाए कि अपनी चीज़ें देने से कुछ भी चीज़ गलत नहीं होता,
वरना फिर आगे जाके बच्चे बच्चों को फिर लोग बोलते हैं यार आपका बच्चा तो बहुत ऐसा है वैसा है, तो बेहतर होगा कि आप बचपन से ही उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएं। तो काफ़ी नींद आ रही थी और मैं फिर केक कंप्लीट करने के बाद सो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। फ्राइडे और वक्त हो रहा है 6:25, और नॉर्मली हमें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सलाह और शादाब दोनों की टाइमिंग सेम है, तो और दोनों की चीज़ें लंच और ब्रेकफास्ट बनाने रहते हैं। तो यहाँ अभी सलाह के लिए लंच बन रहा है उत्तपम। उत्तपम में मैंने ऑलमोस्ट कैरेट और कोरिएंडर ही यूज़ किया है, अदरवाइज अपने हिसाब से कोई भी सब्जी यूज़ कर लें। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हेल्दी वे है जो बच्चों के लिए होता है, जहाँ राइस भी चला जाता है, कुछ दाल भी चले जाते हैं और वेजिटेबल भी रहते हैं। तो कंप्लीट एक पैकेज है जहाँ बच्चे हैप्पी तरीके से इसे पसंद करके खा लें। और जब भी आप इसे बनाएं तो थोड़ा इसके जो शेप है थोड़ा स्मॉल रखें ताकि वो अपने हाथों से आराम से खा लें। और विंटर है तो विंटर में नॉर्मली सलाह के साथ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके टिफ़िन में और 2 या 3 बॉयल्ड एग जरूर ऐड करूं ताकि वो भी खा ले। अदरवाइज वो अगर घर पे रहे तो घर पे आप उसके पीछे पीछे दौड़ लें, वो नहीं खाने से रहा। इसलिए जितना हो सकता है मैं कोशिश यही रखती हूँ अपने पास कि सलाह के साथ ही चीज़ें स्कूल में सेंड कर दूँ ताकि वो वहाँ बच्चों के साथ मिल करके खा ले। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे कुछ देर के बाद बात करती हूँ। Are you take okay? Okay. Leave everything in gaadi. In my place. Which car you will take? Which car? Sir? Which car you will take? Don't take everything. Only take the white police car, okay? Mohammad Salah car you will take, but you will not bring Mohammad Salah's car, right? Come. Okay, let's go. सो फ्राइडे की वजह से शादाब कोशिश करते हैं कि घर पे जल्दी आ जाएं, और हम तीनों ने मिलकर के फिर सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं। और सलाह की खुशी में ही हमारी खुशी है माशाल्लाह। हर माँ बाप के लिए अपने अपने बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है, और सलाह को सबसे ज़्यादा खुशी पूरे
पानी देख करके आता है। नॉर्मली वो अगर बीच पे चला गया तो उसे वहाँ से लाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो मौसम भी बहुत अच्छा है तो चलो बीच पे घूम के आ जाते हैं। तो हम चले गए थे बीच और वहाँ खूब इंजॉय किया। और चले इसी के साथ मैं ये ब्लॉग स्टॉप करती हूँ और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। ख्याल रखें, सेफ रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।